अब कुछ खबरें विस्तार से देखेंगे, बात पीओके की करेंगे जो 2024 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शहबाज शरीफ भी जानते हैं कि कुछ दिन में पीओके उनके हाथ से निकलने वाला है। बीजेपी के कई नेता भी पीओके को शामिल करने की पूरी गारंटी ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह शंका है कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। पीओके में आजादी का तूफान उठ चुका है। गिरफ्तार नहीं है, मारे जाओगे। जो शहबाज की आर्मी को पीओके से उखाड़ फेंकने वाली शहबाज शरीफ की पूरी टीम को भी यकीन है कि पीओके उनके हाथ से छूट गया है। बीजेपी के नेता पीओके को शामिल करने की पूरी गारंटी ले रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को शंका है कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं हो सकता। पीओके पर इस तरह के बयानों पर अमित शाह ने बड़ा प्रहार किया है कि कांग्रेस पाकिस्तान का डर दिखा सकती है लेकिन मोदी सरकार नहीं। अगर 400 सीटें आई तो पीओके पे कब्जा कर लेंगे और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लाल आंख से दिखाएं। कांग्रेस ही कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कह कर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। अमित शाह की अटल प्रतिज्ञा है कि पीओके का भारत में विलय होकर रहेगा। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत का हर राजनीतिक दल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत में शामिल होगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के कई नेता ऐसे बयान देते हैं जिसमें पाकिस्तान का पक्ष नजर आता है। आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। हमारा देश मानते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। कांग्रेस का समय में हमें ड्रीम भी नहीं करता था कि कभी इंडियन पार्लियामेंट कैन डिस्कस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारा देश का नैरेटिव में कभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आएगा लोग सोचा भी नहीं था। पीओके पर विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की आवाम उस दिन का इंतजार कर रही है जब उन्हें भारत में शामिल किया जाएगा। हम आटे के लिए नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ हम सिर्फ बिजली के लिए नहीं लड़ रहे थे। आटा हम पहले भी खाते थे, खा सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर खा सकते हैं। बिजली हम खुद पैदा करते हैं, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी फौज और पुलिस को अपने इलाकों से डंडे मार मार कर भगा रहे हैं, सेना के वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं। आटे और बिजली के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब आजादी का रास्ता पकड़ चुका है।
पीओके हाथ से निकलते देख कंगाल शहबाज सरकार ने वहां की आवाम को अरबों की मदद पहुंचाने का झूठा वादा कर दिया। काफी हिम्मत के बाद शहबाज शरीफ पीओके तो चले गए, लेकिन वो आवाम को भरोसा नहीं दिला पाए हैं कि जो देश कंगाली में गले तक डूबा है, जिसकी रोटी कर्जे के आंटे से चलती है, वो पीओके की हालत कैसे सुधारेगा।